राजधानी रे डेंगु आतंक बढ़ुछि रोगीों संख्या प्रशासनर मुकाबिला प्रस्तुतिर गति धीमा संध्या हेले मशांक प्रादुर्भाव बढ़ुछि निया जाउनी प्रतिषेधक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग और बीएमसी रिपोर्ट रे तालमेल रहुनथिबा अभियोग मौसुमी आगमन पूर्वरु राजधानीवासी चिंता बढ़ाइलानी डेंगू संक्रमण एजाबत गोटे जीवन जाइथिबा बेले घरे घरे बढ़ुछि रोगीों संख्या बीएमसी रिपोर्ट अनुजाई निलाद्री विहार डमणांचल दुई जन डेंगू रोगी चिन्हट होता बेले घर डाक्तखाना चिकित्सा चलता कहुई तेरे घर मेडिकल और पाथोलाब रिपोर्ट को हिसाब को ने रोगी संख्या हुई वृद्धि पावी आशंका प्रकाश पाई बीएमसी पक्षर डेंगू मुकबिला नहीं आगुआ पदक्षेप निजा बेले प्रत समस्या सम्मुखीन होता राजधानीवासी अभोग कर भुवनेश्वर जनसाधारण जो पर्यटन न चाहते से पर्यंत डेंगू कम कारण आम बीएमसी आमको साहय करें बीएमसी की साय करवा जो जाऊँ सका बीएमसी गाड़ी जाऊँ आवर्जना जो आम उपर रखु खोला जगह रखुचु प्लास्टिक रखुचु विभिन्न जो कूड़ा रखुचु घर पखापाखि रखुचु ताको लोक लगे सफा कर कि आम बीएमसी लोक जाऊँ हाथ में देखे डेंगू मुक्त हवा लगातार भाव रोगी संख्या वृद्धि पाता बेले प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्ण निद भांगी डेंगू प्रबल अंचल रे स्वयं बीएमसी मेयर स्वतंत्र टीम पहुंची स्थिति अनुध्यान करिसंती अंचल गुड़िक बुदा सफा सहित मशावंश नाश करने पदक्षेप ने मेयर निर्देश देते एजाए कार्यकारी हो देखा मिली संध्या हेले धूआ गाड़ी देखा मिलूता बेले मशा तेल सिंचन कर बर्तमान तो सीवियरिटी विशेष ना एडमिशन तो गोटे पेसेंट अच्छे से भी भल अच्छी तेनालीरु गोटे जेहेतु आम मशा जनित वायित रोग ताको हमें निश्चित भाव प्रति सचेतन हवा कथा आमर जो ब्रीडिंग साइट्स गुड़ाक आम सब एवोड कराया कथा जो छात रोचे टायर रोचे विभिन्न यूटेनसिल भंगा ददरा ये सब पड़ी ताको आम दूरे देवा कथा से ब्रीडिंग न हो से आम सचेतन हवा कथा कि लोक असावधानता जो असचेतनता जो ये परिस्थिति उपजी तेणु से आम मशा तेल सिंचन जारी रही मशा धुआ गाड़ी बुलू आम घर को घर बुले सचेतन लोक सचेतन कर माननीय मेयर महोदय आसिकी परिस्थिति निरीक्षण कर सहयोग जारी रखी सेपटे राज्य में वर्तमान मोट 76 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती सबुआड़े स्वास्थ्य विभाग पक्षर सर्भिलांस चलता बेले लोक सचेतन कर जनस्वास्थ्य विभाग पक्षर सूचना दी जाए तो लक्षण देखाकले सेंटिनल सेंटर में परीक्षा कराइवाक परामर्श दी जाए भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन जितेन्द्र सहित चिन्मयी साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।